बांग्लादेश में खूनी बवाल के बाद सत्ता बदल गई है और इस आरक्षण की आंधी की वजह से शेख हसीना की कुर्सी भी छिन गई है, जिसके चलते उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। अभी शेख हसीना भारत की शरण में है, मगर भारत में भी उनके पीछे लगी मुसीबतें उनका साथ नहीं छोड़ रही है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं और अब उनके प्रत्यार्पण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर विचार कर रही है और इसी बीच खालिदा जिया के सिपह सालार ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उनका कहना है कि भारत ने शेख हसीना को शरण देकर ठीक नहीं किया। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश पार्ट टू की कोई तैयारी तो नहीं हो रही है। दरअसल बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं और मंगलवार यानी कि 20 अगस्त तक उनके खिलाफ दर्ज केसों की संख्या करीब 25 पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी और उस बवाल के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और 6 अगस्त को वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि हमारी भारत से अपील है कि वो शेख हसीना को कानूनी तरीके से बांग्लादेश सरकार को सौंप दे। बांग्लादेश की जनता ने उनके मुकदमे का फैसला सुना दिया है और उन्हें उस मुकदमे का सामना करने दे। आलमगीर ने आगे कहा कि शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर भारत ने ठीक नहीं किया है और ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश में हुई क्रांति को विफल करने के लिए साजिशें रच रही हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए आलमगीर ने एक तरह से भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जहर ही उगला है। शेख हसीना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ये बात दृढ़ता से कह रहा हूँ कि हमें ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत को बांग्लादेश के लोगों के दुश्मन को पनाह देकर ज्यादा प्यार मिल सकता है जिसे देश से भागना पड़ा था। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है। नई दिल्ली और ढाका के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर समझौता हुआ था और इस संधि के तहत दोनों देशों को उन लोगों को एक दूसरे के हवाले करना जरूरी है जिनके खिलाफ किसी भी अपराध के लिए अदालतों में कार्रवाई शुरू की गई हो। इस संधि के तहत कुछ भगोड़ों को भारत लाया गया है और कुछ को बांग्लादेश वापस भी भेजा गया है। साल 2016 में इस प्रत्यर्पण संधि में संशोधन किया गया था और इन अपराधों में वित्तीय अपराध भी शामिल हैं, जिनमें एक साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश वापस भेजा जा सकता है या बांग्लादेश की बात मानने को भारत बाध्य है। इस पर सूत्रों का कहना है कि भारत बांग्लादेश की मांग को ठुकरा भी सकता है। ये द्विपक्षीय संधि उन मामलों पर लागू नहीं होती जो राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। हालांकि ये सब कुछ अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये छूट मर्डर जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए नहीं है। अगर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता है तो भारत के पास ठुकराने को सॉलिड जवाब है। भारत संधि के अनुच्छेद 8 का हवाला देकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण के किसी भी मांग को ठुकरा सकता है और ये अनुच्छेद दोनों देशों को उन अनुरोधों को ठुकराने की अनुमति भी देता है जो ईमानदारी से और न्याय के हित में नहीं किए गए हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।